हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक विद सुभाष के एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का घना घना स्वागत है। आज का ये वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना तो बनता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी जो काम का हो सकता है। बेसिकली ये आप उन लोगों के काम का है जो एक दुकानदार है या फिर ऐसे इंसान है जो किसी को छोटा मोटा उधार देते हैं। जैसे कि मैं अपने दोस्तों का मोबाइल रिचार्ज करता हूँ तो वो रुपए वगैरह देते नहीं हैं, तो यार ऐसे में क्या होता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है कि उन जो कैसे याद रखूँ कि मैंने किसका कितने रुपये का रिचार्ज किया था, क्योंकि वो देने में भी टाइम लगा देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैंने किसका कितने रुपए का रिचार्ज किया है। तो ऐसे में ये एप्लीकेशन जो आपके बहुत काम आ सकता है, ये एप्लीकेशन बहुत ही काम का है। ये एप्लीकेशन सिंपली आपको मैं इसका ओवरव्यू दूं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जिससे आपने रिचार्ज किया, जिसका आपने रिचार्ज किया, फिर या मतलब कोई भी दुकान का सामान दिया हो उधार में, तो क्या करना है इसमें आपको सिंपल उस व्यक्ति का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ओके करना है। और जितने रुपये आपने दिए है ना उधार दिए हैं फिर रिचार्ज वगैरह किया उतना जो आपको डालना है ना। जैसे आप उसको डालोगे तो तुरंत उसके बाद जो उस बंदे के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने इतने रुपए का जो उधार लिया इस बंदे से और किसके लिए लिया है, वहाँ पर आप लिख भी सकते हो, रिचार्ज वगैरह जो भी हो ना वो लिख सकते हो। तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आप जो देख सकते हो कि इतने रुपये का आपने जो रिचार्ज जो करवाया था या फिर कोई भी सामान लिया था उसके इतने रुपये लिए है। और वो जो स्टोर होते रहते हैं तो आपको जो अपना एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसमें आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको पूरी तरीके से लाइव तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यूज करना है। सब्सक्राइब करो टेक विद सुभाष यूट्यूब चैनल को और दबाओ पास में आने वाले घंटे को, सुभाष जी के चैनल पर आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ओके क्रेडिट। डाउनलोड कैसे करना है, कहां से करना है, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। तो इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि अपनी लैंग्वेज चुनिए, भाषा चुनिए। तो आप अपनी इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश हिंदी वो सब कुछ चुन सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं हिंदी चुनने वाला हूँ क्योंकि यार इंग्लिश किसको आती है इतनी अच्छी, तो मैं यहाँ पर हिंदी चुनने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो हो देख सकते हो कि कुछ ओवरव्यू हमारे सामने ऐसा आ गया है और यहाँ पर लिखा ओके क्रेडिट में आपका स्वागत है, डिजिटल उधार खाता। और यहाँ पर सारा हिसाब आपके फ़ोन में, कॉपी कलम कंप्यूटर अलविदा, ये सब कुछ हो गए। तो आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको शुरुआत करना है, शुरुआत पे क्लिक करें, नीचे शुरुआत करें इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए और जो अपनी प्राइवेसी के लिए मैंने अपने नंबर हाइड कर दिए। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि हम आपको एक ओटीपी भेजेंगे वेरीफाई करने के लिए कि आपका ये नंबर है। तो आपको ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। ओटीपी भेजे पे क्लिक करने के बाद जो आपका ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में अगर वो सिम होगा जिसमें आपने नंबर डाले हैं, जो नंबर डाले हैं, तो अपने आप जो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा। सबसे पहले आपको अपनी दुकान का नाम लिखना है। अगर आपके पास कोई दुकान है तो दुकान का नाम लिख सकते हो। बेसिकली बार मेरे पास तो कोई है नहीं, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, सुभाष शर्मा। देखिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, सुभाष शर्मा, है ना, सुभाष शर्मा नाम लिखिया। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो है वो बोल रहा है कि पासवर्ड डालिए, पासवर्ड साइनअप करने के लिए वो सब कुछ है। तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। तो पासवर्ड यहाँ पर बोल रहा है कि 6 अंकों की होनी चाहिए, तो 6 अंकों के आपको पासवर्ड डालने हैं। तो चलिए हम जल्दी से पासवर्ड भी डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद ओके कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड डालने के बाद ओके कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक सूचना चाहिए, ओके क्रेडिट व्हाट्सएप पर अपडेट प्राप्त करें। ओके क्रेडिट आपको जरूरी सूचना, ये मेरा नंबर है, पर आपको व्हाट्सएप करेगा। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वरना मैं कहूँ नहीं नहीं भाई, मुझे तो नहीं SMS नहीं भेजे भाई, मैं अपना नहीं करना चाहता। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया और ऊपर एक YouTube का वीडियो शुरू होगा, तो मैं इसे यूज़ कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube का वीडियो कहाँ यार 29 सेकंड कहाँ समझ नहीं आने वाला आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है सुभाष शर्मा, 0 उधार, यानी कि कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं किया। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 डॉट्स है, इसमें आपका खाता, सहायता, हमारे बारे में, गोपनीयता नीति, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो हो मेड विथ इंडिया है, तो यानी कि इंडिया में बनाया गया है। यहाँ से आप लॉन्ग आउट भी कर सकते हो, साइन आउट भी कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी फ्रेंड को अगर आप उधार देते हो, है ना, किसी भी ग्राहक को, या फिर उसे कैसे जोड़ना है। तो नीचे आप देख सकते हो ग्राहक जोड़े, ग्राहक जोड़े पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले उसका नाम डालेंगे। नाम डालते हैं, बेसिकली मैं अपने एक दोस्त का नाम डाल देता हूँ, जिसका नाम, दोस्त का क्यों डाल यार, दोस्त नाराज़ होगा, मैं अपना डाल देता हूँ, रुद्र शर्मा डाल देता हूँ। ये देखिए रुद्र शर्मा, ये मैंने डाल दिया रुद्र शर्मा। उसके बाद ये ग्रीन टिक है ना, इस पर क्लिक करेंगे राइट के सिंबल पे। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर डालने होंगे,
मोबाइल नंबर डालने के से उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने इतने रुपए उधार लिए थे और इस चीज़ के लिए थे। तो यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर डालेंगे हम। चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। और मोबाइल नंबर डालने के लिए आप जो वो सिंपली कस्टम भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उससे भी आप मोबाइल नंबर ले सकते हो। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं अपने फ्रेंड के। सो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मोबाइल नंबर, क्योंकि मैंने हाइड करके रखे हैं यार। मैं अपने दोस्तों के नंबर ऐसे पब्लिक में नहीं दे सकता, है ना। उसके बाद ये राइट का सिंबल है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो हो ये आपका प्रोफाइल बन जाएगा। आपके जो जो भी बंदा होगा ना, उसका प्रोफाइल बन जाएगा। देख सकते हो रुद्र शर्मा के साथ आपका लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके क्रेडिट, आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट लिया और पेमेंट उधार दिया, इसका आपको जो डालना है। उसके बाद आप देख सकते हो उधार दिया पे, आपको उधार दिया तो उधार दिया पे क्लिक करेंगे और जितनी राशि का उधार दिया वो लिखेंगे। बाय द वे मैं लिख देता हूँ, 200 रुपये मैंने दिए थे। 200 रुपये नीचे आ देखो, वितरण जोड़े यानी किसके लिए दिए थे। तो मैंने बेसिकली रिचार्ज के लिए दिए थे। तो मैं यहाँ पर रिचार्ज जो हूँ नाम लिख देता हूँ, चार्ज लिख देता हूँ, रिचार्ज भी लिख दे, चलो रिचार्ज लिख देते हैं, रिचार्ज। तो वितरण जोड़ने के बाद यानी कि डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको ये राइट का सिंबल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकती हो कि ये हमारा 200 रुपये बैलेंस हो गया है इस रुद्र शर्मा का, है ना। और रिचार्ज आप देख सकती हो, इस पर क्लिक करोगे ना रिचार्ज पे, जैसे ही आपको बता दिया जाएगा इसे 200 रुपये आपने रिचार्ज के लिए, इस पर क्लिक करोगे तो वो जब बोल दिया जाएगा कि लिंक हो गया, SMS बंदे के पास पहुंच गया है और 3 फरवरी को जोड़ा गया है। यहाँ से आप उधार डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा जो मेरे बंदे के पास, जो अपने मेरा एक बंदा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ही है, क्योंकि मैंने अपने दूसरे नंबर डाले थे ताकि आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा पाऊँ कि SMS आता है फिर नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये SMS आ गया है। तो मैं इस SMS को ओपन कर लेता हूँ। SMS को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये आ गया, सुभाष शर्मा ने 200 रुपये का उधार जोड़ा है। यानी कि आपके जो सुभाष शर्मा, जो भी मैं अपने नाम लिखा था ना, मेरी शॉप का नाम लिखा था, दुकान का नाम लिखा था, वो यहाँ पर आ गए। सुभाष शर्मा ने 200 रुपये का उधार आपको जोड़ा है। 200 रुपये ड्यू चेक करें, इसकी डिटेल चेक करने के लिए लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक करेगा और उसके बाद कॉपी URL कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से मैं जो समझा पाऊँ। और यहाँ पर मैं अपने एक ब्राउज़र में इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया, वीडियो आ गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जो है इसको आगे करूँगा और आप देख सकते हो कि ये जो 200 रुपये ड्यू दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो 200 रुपये ड्यू दिखाई दे रहे हैं। उस पर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना 200 रुपये पे, तो आप देख सकते हो कि रिचार्ज के 200 रुपये मांग रहे हैं वो मुझसे। यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 200 रुपये ऐड हो गए हैं और वो बोल रहा है कि 200 रुपये आपको सुभाष शर्मा मांग रहे हैं आप में। और उसके बाद यहाँ पर कॉल का बटन दिया गया है, जिससे कि आप उसको कॉल भी कर पाओ। यानी कि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि मतलब रुपए लिए भी नहीं होते हैं और जोड़ देते हैं, तो उससे आप कॉल कर सकते हो कि भाई मैंने तुमसे कब रुपए लिया है, झूठे क्यों दौड़े आपने। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बाय द वे अगर उस बंदे ने आपको रुपए दे दिए तो क्या करोगे, उसी पेज पे हम फिर से आएंगे। यहाँ पर थे ना हम, तो अगर उसने रुपए दे दिए, ये 200 रुपये दे दिए, तो यहाँ पर पेमेंट लिया पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद पेमेंट लिया पर जितने भी रुपए लिए आपने वो ले सकते हो। जैसे उसके बाद जो हो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कितने रुपए किसके लिए आपने लिए, तो रिचार्ज के लिए लिए थे रिचार्ज। उसके बाद टिक मार्क करेंगे और ये जो पेमेंट पासवर्ड चालू है, पेमेंट पासवर्ड लगाने से कोई और आपके खाते में पेमेंट नहीं चढ़ा पाएगा। पेमेंट पासवर्ड ओके, जो कि यानी कि कोई और बंदा जो वो रुपए चढ़ाना चाहे ना, कि आपके दोस्त को आपके जो ये मोबाइल मिल गया वो आकर आपके खाते में यहाँ पर लगा सकता है कि 200 रुपये लिए थे, मैं आपको पेमेंट यहाँ पर चढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर वो चढ़ा सकता है पेमेंट, है ना। तो आपको इसके लिए जो पासवर्ड लगाए थे वो पासवर्ड डालने के, तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने अपने पासवर्ड डाल लिए। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 रुपये जो हमने लिए थे वो हो गए। तो यहाँ पर 0 रुपये उधार दिए और उसके पास मैसेज भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैसेज भी आ चुका है, 200 रुपये सुभाष शर्मा ने 200 रुपये का पेमेंट जमा किया। तो इस तरीके से यहाँ पर आ भी सकता है। अब यानी कि डिलीट करना हो मुझे, ये दोनों हिस्ट्री डिलीट करनी हो, यानी रिचार्ज गलती से कोई मतलब कि ज़्यादा रुपये चढ़ जाते हैं या फिर हो जाता है, कभी डिलीट करना पड़ता है। तो जो भी डिलीट करना चाहते हो ना, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी डिलीट करना चाहते हो उधार डिलीट करें, डिलीट पे क्लिक करूंगा और जो आप देख सकते हो ये उधार डिलीट हो जाएगा और आपके ग्राहक को इसका SMS भी पहुँच जाएगा, SMS भी पहुंच जाएगा, ये अच्छी बात है। उसके बाद डिलीट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड बोलेगा कि कोई भी बंदा जो हो आपका डिलीट कर सकता है, तो आपका जो पासवर्ड होगा ना उसी से डिलीट होगा। तो पासवर्ड डालिए और ओके करिए, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप को आपको डाउनलोड कैसे करना है।
ना, डाउनलोड करना भी ज़रूरी है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लिंक आ रही है, आइकन्स आ रहा है इस एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा। पहले आपको डाउनलोड का बटन जो दिया होगा उस पर क्लिक करना होगा, प्ले स्टोर में ले जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।